हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफएसओ ऑल पेपर के बारे में। तो इसमें हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेल का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर होगा 4, मक्खन मतलब बटर। देन सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा बेमेल है, मतलब कौन सा युग्म जो है वो मिसमैच है या फिर गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो 4, कोशिका झिल्ली एक परत। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, किसी भी सूक्ष्म जीव की वृद्धि के लिए वाटर एक्टिविटी का सीमांकन मान होता है, और इसका राइट आंसर होगा 4, 0.91 से कम। देन फोर्थ क्वेश्चन है, एफ्लाटोक्सिन उत्पन्न की जाती है, इसका राइट आंसर है 1, एस्परजिलस जाति द्वारा। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बैक्टीरिया अल्फा टोक्सिन बनाते हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3, क्लोस्ट्रीडियम परफ्यूजिंस। सिक्स क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के आंकलन के लिए विधियाँ हैं, तो राइट आंसर 3, ड्यूमा तथा कैलडोल विधि द्वारा। एंड आमतौर पर शोक्रोट किससे तैयार किया जाता है, राइट आंसर है कैबेज। इसके बाद एट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव बियर और वाइन के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं एवं इनका किण्वित अंतिम उत्पाद है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1, सेक्यूरोमाइसिस सेरेविस, और जो लास्ट जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है वो होता है एथेनॉल। जो 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका किण्वित कोजी द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है सोयाबीन। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण वायवीय ऑक्सीकरण से कितने GTP प्राप्त होते हैं, इसका आंसर होगा 2, मतलब 1 आंसर होगा जिसमें 2 GTP प्राप्त होते हैं। इसका जो 11 क्वेश्चन है, एगेरिकस बाइस्पोरस, यह एक 1 वाला आंसर होगा, यह एक खाद्य पदार्थ है, अ फूड स्टफ। इसके बाद हम 12 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, वशीय अम्ल ऑक्सीकृत होते हैं, इसका राइट आंसर होगा 1, अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन से। 13, कैफ्टोल एक है, यह एक फंगिसाइड है, फफूंदी नाशक। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्तवादी है, इसका राइट आंसर होगा 4, विटामिन के। 15 क्वेश्चन, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा 1, यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है। देन मानव शरीर में मिथाइल व इथाइल एल्कोहल का विषहरण होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से। कच्चे अंडे के सफ़ेद हिस्से के उपभोग या फिर खाने से निम्न में से किसकी कमी होती है, इसका राइट आंसर है बायोटिन। सेकेंड, वर्गीकरण की 5 जगत जीव जगत पद्धति में कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है 18 का 1, विषाणु वायरोइड्स एंड लाइकेन। देन इसके बाद 19, इसमें हमें राइट रोंग मिक्स करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 का राइट आंसर होगा 3। तो इसमें कैल्शियम को ब्लड कोगुलेशन से रिलेट करेंगे, सोडियम को सेकेंड वाले अंतःकोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखरखाव, और जो आयरन होता है उसकी कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन से थायरॉयड हार्मोन का निर्माण। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें हम देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। इसके बाद निम्न में से केट फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो नाम होगा वो होगा 4, वेलेगो अट्टू। इसके बाद निम्न में से कौन सा रक्त स्कंदन कारक हेगमैन फैक्टर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर 2। देन वापस से इसमें राइट रोंग को रिलेट करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। ट्वेंटी 4 क्वेश्चन, यदि वसा श्वसन सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक होगा लेस देन 1,
मतलब टू, ऑप्शन टू। देन 25 थायरोक्सिन तथा आयोडोथायरोक्सिन के अतिरिक्त थायरॉइड ग्रंथि स्त्रावित करती हैं। तो जो 25 का आंसर होगा वो होगा थर्ड, कैल्सिटोनिन। 26 में उत्तक संवर्धन में कैलस है, इसका जो राइट आंसर होगा वह फोर्थ। एक असंगठित सक्रियता से विभाजित होने वाला कोशिका समूह जिसे उत्तक संवर्धन में अनुरक्षित रखा जाता है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, बीटी टॉक्सिन के बारे में क्या सत्य है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सेकंड, निष्क्रिय पाक जीव विष पीड़क कीटों के आंत्र में क्षारीय पीएच के कारण सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अमाशय का प्रोटीन लई एंजाइम है पेप्सिन। देन क्रमिक पोषण स्तर पर विषाक्त, जो ना तो उपापचयी होते हैं और ना ही उत्सर्जित होते हैं, एवं भंडारित होकर सांद्रता में वृद्धि करते हैं। तो जो 29 का राइट आंसर होगा थर्ड, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। इसके बाद देन क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रदूषकों के निम्नीकरण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा बायो रेमेडिएशन, मतलब थर्ड, जैवोपचार। इसके बाद निम्नलिखित समंकों का माध्य, माध्यक तथा बहुलक निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ। निम्नलिखित परजीवी प्राणियों में से किसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए लैक्टोफेरिन जीन का उपयोग किया जाता है। 32 का राइट आंसर होगा काउ, मतलब फर्स्ट वाला, गाय। इसके बाद मांग और मूल्य के बीच में संबंध है, राइट आंसर सेकंड, नेगेटिव कोरिलेशन या ऋणात्मक सहसंबंध। देन 34 राजस्थान के जयपुर, आमेर, टोंक एवं दौसा जिले किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह थर्ड ए के बी, थर्ड ए मतलब थर्ड वाला आंसर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। कृषि वानिकी पद्धति जिसमें कृषि एवं वानिकी फसलें सम्मिलित है, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम, कृषि वन वृक्ष पद्धति। निम्नलिखित में से मूंगफली की झुमका प्रजाति की किस्म कौन सी है। तो इसका राइट आंसर गिरनार टू। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा सेकंड। आम में स्पंजी उत्तक से संवेदनशील किस्म है, थर्ड, अल्फांसो। निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म सफ़ेद रंग के कंदों का उत्पादन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भीमा शुभ्रा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे, अर्का रक्षक एक प्रमुख किस्म है, यह टोमेटो की एक प्रमुख किस्म है, आंसर नंबर थर्ड। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग, भारत सरकार के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में दूध उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 172-180 मिलियन टन। पंत रागिनी किसकी किस्म है, तो इसका आंसर फेन्यूग्रीक, मतलब मेथी की एक किस्म है, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। सरसों के संबंध में परजीवी खरपतवार है ओरोबेंकी। देन इसके बाद राजस्थान प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में भारत में थर्ड रैंक पे है, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग तरल दूध के रूप में किया जाता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। गाय का गर्भावधि 280 से 285 दिन, ऑप्शन नंबर टू। नवजात बछड़े को खीस पिलाने की दर होती है फर्स्ट वाला, शारीरिक भार का 10% ऑफ द बॉडी वेट। देन 48 क्वेश्चन, साधारण मक्खन को किसमें पैक किया जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, पार्समेंट पेपर में। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया का प्रेरक कारक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, पेस्टूरिला माल्टोसिडा।
देन 50 इसबगोल में वजन के अनुसार भूसी व बीज का अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 25:75। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालने वाले जीवाणु को कहते हैं, इसका आंसर सेकंड प्रोबायोटिक। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम भारत का अधिनियम संसद में जारी करने का वर्ष तथा लागू करने का वर्ष, तो इसको जारी तो 2006 में किया गया था तथा इसको लागू 2011 में किया गया, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। गलत तरीके से दवाई देने से होने वाले जानवरों में न्यूमोनिया को कहते हैं ड्रेंचिंग न्यूमोनिया। फल भंडारण में निम्न में से किसका उपयोग इथाइलीन मार्जक के रूप में किया जाता है, राइट आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट फर्स्ट। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड 101। कशाघात क्रीम में वसा की मात्रा होती है, मतलब फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम रेंज फ्रॉम, इसका राइट आंसर होगा थर्ड 30-40%। भोजन में परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन सर्वाधिक मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सोडियम बेंजोएट फर्स्ट। तय मानकों के आधार पर फल पानक में कम से कम फलों का रस या गुदा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 20-30%, मतलब ऑप्शन नंबर 4। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक पंजीकृत एवं अनिगमित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां विद्यमान है, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश थर्ड। लाल अम्लीय फलों की डिब्बाबंदी के लिए प्रयुक्त डिब्बों का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर आर इनेमल फर्स्ट। 61 में फल एवं सब्जियों की कटी हुई सतह में प्रकीर्णवित भूरापन आने का कारण होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स का ऑक्सीडेशन। वर्ष 2017-18 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ताजी सब्जियां उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। इसके बाद निम्न में से कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है जो 16 से 26 डिग्री सेल्सियस तथा मिट्टी की पीएच 6 से 7 पर पैदा होता है, राइट आंसर है थर्ड एवोकाडो। देन 64 दुर्गीकरण के पुरावेशन किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड बालाथल से। 65 प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया है, इसका राइट आंसर होगा सेकंड वरसिंह ने। और 67 में युआन च्वांग द्वारा उल्लेखित ओ ली ये ता लो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है, इसका राइट आंसर फर्स्ट बेराठी। एगमार्क अधिनियम 1937 किसके अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मतलब विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अंतर्गत आता है। राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेलकला पुरास्थल स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट अलवर में। 70 राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट कर्नल टोड के द्वारा। 71 समर्थन दास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर पता नहीं है। इसके अलावा 72 शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था, इसका आंसर होगा फर्स्ट देशराज ने। 73 में जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे, इसका राइट आंसर होगा 4 रघुनाथ।
एकी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर सेकंड, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने मांग नहीं लिखा था, भाग नहीं लिया था? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, महाराजा फतेह सिंह ने, उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह ने। इसके बाद 76 क्वेश्चन, चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट 1907 में स्वामी गोपालदास ने। इसके बाद भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर थर्ड, बीकानेर के साधुल सिंह प्रथम। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। इसके बाद रुकनुद्दीन, शाहदीन, रसीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, बीकानेर शैली से। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर जैसलमेर फर्स्ट। कछवा वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, दौसा में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसका राइट आंसर है मारवाड़ सेकेंड। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है थर्ड, 1883 में। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है फर्स्ट, हड़बूजी। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है थर्ड, विष्णु जी को। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, चतुर सिंह ने। मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के परावेश कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है थर्ड, बेराट से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, सलेमाबाद। सलेमाबाद अभी अजमेर में इंक्लूड होता है। इसके बाद धोलीदूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर है फोर, लालदासी संप्रदाय से। दामन आभूषण कहाँ पहना जाता है? यह अंगुली में, फोर्थ आंसर। इसके बाद ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? तो जो इसका आंसर होगा थर्ड, मनरंग। जला गीत स्त्रियों द्वारा कम गाया जाता है? तो इसका आंसर है थर्ड, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। सही सुमेलित करना है इसमें, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड। इसके बाद आउवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, गुर्जर प्रतिहार कालीन का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? इसका आंसर होगा फोर्थ, तारागढ़। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो 96 का जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, दक्षिणी भाग, साउथर्न। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो जो इसका आंसर वो होगा फोर्थ, मतलब फोर्थ बी तथा फिफ्थ। 19 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2015 से 17 के बीच निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो जो 98 है उसका आंसर होगा सेकंड, प्रतापगढ़।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे? इसका राइट आंसर होगा 4, हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? इसका राइट आंसर होगा 3, जालौर, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में नए जल संभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारिता दी जाती है? इसका राइट आंसर है 1, क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी है। इसके बाद हाल ही में वन विभाग राजस्थान में गोडावण के अंडे सोने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था के सहयोग करार किया है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है 1, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है 1, गंगानगर में। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई है, इसका राइट आंसर होगा 2010 में। बनास नदी का उद्गम स्थल है, इसका बनास नदी का उद्गम स्थल फोर्थ कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ। इसके बाद वापस से सही उत्तर का चयन करना है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वापस से सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 2। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है 3, बिरला कॉरपोरेशन चित्तौड़गढ़। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, इसका आंसर होगा 1, भोपाल सागर। देन वापस से सुमेलित करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है 4, आर स्वामीनाथन समिति। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है फतेहगढ़ में। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1, रूपनगढ़ अजमेर में। नाथरा की पाल तथा मोरिजा बनोल क्षेत्र में खाने हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 3, लोह अयस्क की। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, इसका राइट आंसर 3, बांसवाड़ा में। राजस्थान की पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक द्वारा सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर है 1, कमल शेखावत। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर 4, यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 118, बायुत कांसल एवं कपूरडी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर 3, तेल और गैस के लिए। राजस्थान की पायल जांगिड़ को अमेरिका में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला, वह जहां की रहने वाली है? वह इसका आंसर होगा 3, हिंसला जिला अलवर की। FSSAI भारत में खाद्य सुरक्षा की नियामक संस्था है। अक्टूबर 2019 में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI ने कई नई पहल की, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनमें सम्मिलित नहीं थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपयोग अवधि बढ़ाने के लिए एक अमेरिकन कंपनी के साथ समझौता किया गया।
इसके बाद निम्नांकित युग्मों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों सदस्यों ने भी ईस्टर डफलो के साथ अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है थर्ड, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी ने। इसके बाद राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टू, मदन कुदान झुंझुनू में। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, राइट आंसर फर्स्ट, ग्रेनाइट से। राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रीपति आर भट्ट। इसके बाद सुमेलित करना है तो इसका राइट आंसर है सेकंड, योकोहामा जापान में FAO का। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, संपर्क कार्यालय है। अभी अहमद अली के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही उत्तर कूट को जानें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सेकंड, भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, अमेरिका। 21 अक्टूबर 2019 किस राज्य या जिन राज्यों की विधानसभा के मतदान की दिनांक थी? इसका राइट आंसर है फोर्थ, हरियाणा और महाराष्ट्र की। NCERT ने विद्यालय प्रधानों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है, इसका जो नाम है वो है थर्ड निष्ठा। भारतीय प्रधानमंत्री की 17 और 18 अगस्त 2019 को किस देश की यात्रा के दौरान उस देश में रुपए कार्ड का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सेकेंड, भूटान। 25 सितंबर 2019 को ग्वालियर में भारतीय वायुसेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह विमान था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा थर्ड, MiG-21। उस शहर को पहचानिए जहां राजस्थान सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा बिजनेस इंक्यूबेटर भामाशाह टेक्नो हब स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर फोर, जयपुर। निम्नलिखित बलों में से किसने जुलाई 2019 में ऑपरेशन सुदर्शन शुरू किया है? तो जो इसका 134 का राइट आंसर होगा वो है फोर्थ, सीमा सुरक्षा बल पे। राजस्थान के निमांकित खिलाड़ियों में से कौन निशानेबाजी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, यशा सिंह। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 1985 में पारित होने के बाद जब से लागू हुआ वह तिथि है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है फर्स्ट, 13 फरवरी 1986 में। बिस हॉलमार्क को भारतीय मानक के रूप में जिसके लिए उपयोग में लाया जाता है उसका राइट आंसर है फोर्थ, स्वर्ण और रजत उत्पाद के लिए। वर्तमान जेल महानिदेशक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है फोर्थ, ARK रेड्डी। चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 22 जुलाई 2019 में क्षत्रिय ध्वज अंतरिक्ष केंद्र से। दूध का पीएच होता है सेकेंड, 6.8। एसिटिक अम्ल का पी के मान होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, 4.76। 298 के पर kW का मान होता है, तो जो इसका राइट आंसर है 140 का इसमें फर्स्ट आएगा। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है थर्ड, C/F3 की आणविक ज्यामिति है। इसका राइट आंसर थर्ड, टी शेप।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 145 है, तो इसका जो आंसर होगा वह है फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर फर्स्ट राइमर टिमान अभिक्रिया द्वारा। देन 147 का आंसर है फोर्थ C6H6 और CL16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है फर्स्ट एनहाइड्राइड। देन 149 टिल्डेन अभिकर्मक होता है, इसका राइट आंसर फर्स्ट है नाइट्रोसिल क्लोराइड। एंड लास्ट क्वेश्चन पिनेकोल की रासायनिक संरचना है, इसका राइट आंसर है सेकेंड। थैंक यू।